हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। आगे है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली हाउ दे रिएक्ट विद अदर मेटल्स, अदर एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेस, ईटीसी। तो इस तरह से हमें देखना है कि वो किसके साथ रिएक्शन करता है, कितना स्पीडी रिएक्शन करता है या स्लोली रिएक्शन करता है, ये सभी कैरेक्टर्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और किस तरह के जो रिएक्शन होने के बाद वह किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर भी लिख सकते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ, कुछ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। आपने भी पहले प्रीवियस क्लास में मैग्नीशियम के बर्निंग को देखा होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, यहाँ से वाइट कलर की जो है बहुत ही फ्लेम निकलती है। तो ये मैग्नीशियम के बर्निंग को देखा होगा। तो क्या सभी मेटल्स सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं? नहीं, अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन यदि ऑब्जर्व किया जाए तो लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट फ्यू, कुछ मेटल को छोड़ करके। तो सबसे पहले कौन कौन से मेटल कितना स्पीड से रिएक्शन करते हैं ये भी हमें पढ़ना है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ करके लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सोडियम ऑक्साइड इजिली फॉर्म होता है, मतलब सोडियम वाइग्रसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। इन सेम मैनर पोटेशियम ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाइग्रसली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम और ऑक्सीजन इजिली रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मीन्स दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम लें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अपने आप से रिएक्शन नहीं करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ऑन बर्निंग ये रिएक्शन होता तो है बट वेरी स्लो, ये स्लो होता है। और मैग्नीशियम अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लेता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इसके फर्दर बर्निंग को रेसिस्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो यदि हमें मैग्नीशियम रिबन को यदि बर्न करना है, उसे जलाना है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऊपर में सबसे अपर सरफेस में लेयर बन चुकी है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नीड टू रिमूव, उसे हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज मैग्नीशियम जो फर्दर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज प्रिवेंटेड, ये यहाँ पर रुक जाएगा और बर्न नहीं होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2MgO का फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम मैनर में कॉपर है, कॉपर आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट ऑन हीटिंग, यहाँ पर ये हीट करना पड़ेगा। और वैसे तो कॉपर बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ, ये पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, वो जो अपर लेयर होता है कॉपर का वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और तो ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये वाइट पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की एक कोटिंग हो जाती है सबसे ऊपर में। तो ये ब्लैक कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑक्साइड ऑन कॉपर, ये कॉपर के ऊपर है, तो बाहर बाहर का जो लेयर है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि अंदर में कॉपर बर्न नहीं होता है। तो ये हीट करने पर एक ब्लैक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह से और भी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ
हीटिंग करने पर रिएक्शन करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, ये भी रिएक्शन कर लेते हैं। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन हीट करने पर बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। Al2O3 6, ये 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी मेटल है। इसी तरह से यदि हम आयरन को यदि हीट करेंगे तो आयरन वैसे तो यदि बड़ा क्रिस्टल है तो रिएक्शन होने में काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन यदि उसके हमने क्या किया, यदि छोटे छोटे यदि क्रिस्टल बना लें आयरन के, तो इजिली रिएक्ट हो सकता है आयरन भी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक बड़ा पीस जो है रिएक्शन नहीं हो पाता है। हीटिंग करने पर ये बर्न नहीं होगा आयरन, बट आयरन जो फिलिंग्स के रूप में होगा, दे बर्न वाइग्रसली व्हेन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जब हम बर्नर के ऊपर उसके फ्लेम पर रखेंगे आयरन फिलिंग्स को, तो रिएक्ट कर जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि कॉपर जो है बर्न नहीं होता है, कॉपर डज नॉट बर्न, बट जो हॉट मेटल है इट इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO का ऊपर में लेयर बना लेता है। तो सोडियम पोटेशियम यदि हम देखें हाईली रिएक्टिव है, इनमें किसी भी तरह की हीट की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा हीट की जरूरत है, बाकी में हीट की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ जो उनकी रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है, डिफरेंट रेट से वो रिएक्ट हो रहे हैं सभी मेटल्स। तो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जैसे और भी यदि मेटल से भी देखा जाए तो दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ये जिंक जो है जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, कॉपर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, लेड है Pb+O2 टू फॉर्म PbO, ये भी लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से सभी लगभग मेटल्स रिएक्शन कर लेते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होते हैं। यदि हम देखें जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर की ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्युमिनियम, जैसे ये मान लीजिए कि एल्युमिनियम रॉड है, इसके ऊपर ये ऑक्साइड लेयर बन जाती है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर विच रेसिस्ट फ्रॉम कोरोजन, जो एल्युमिनियम को कोरोड होने से बचाता है, कोरोजन से बचाता है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। अब ये है कि ये लेयर जैसे पतली होती है, काफ़ी थिन होती है, इस यदि हम लेयर को और यदि क्या करते हैं थोड़ा सा ऐसे यदि थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये लेयर जो है एल्युमिनियम और भी मतलब जो है इजिली कोरोड नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसके कोरोजन में। तो इस रेजिस्टेंस को हम इम्प्रूव्ड कर सकते हैं बाय द मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जो थिक ऑक्साइड लेयर है, मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड को थिक कर देते हैं, उसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। एंड दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन।
जो कि एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन से या कोरोड होने से बचाता है। और इन दिस प्रोसेस फूज मतलब जो है एनोडाइजिंग कैन बी डन देयर द आर्टिकल ऑफ एल्युमिनियम टेकन एज एनोड, वो हमें आर्टिकल एल्युमिनियम का एनोड के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई आर्टिकल ले लिया, कोई बना हुआ स्टैच्यू है, उसको हम फ्रेश एल्युमिनियम का लेंगे और उसको एनोड पर रख देंगे। कैथोड के रूप में भी एल्युमिनियम या कोई दूसरा मेटल भी ले सकते हैं जो इजीली रिएक्ट ना करता हो। और इसके बाद इसको डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट होगा H2SO4 से। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड विच रिएक्ट विद दिस एल्युमिनियम आर्टिकल टू फॉर्म, तो ये एल्युमिनियम उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बना लेगा जो कि काफ़ी थिक होती जाती है। तो ये थिक होने के कारण उसको काफ़ी मतलब जो है रसिस्ट कर सकता है, ज़्यादा मतलब प्रिवेंट कर सकता है उसको कोरोजन से। और जो दिस ऑक्साइड लेयर है कैन बी डाइड इजली, इसको हम आसानी से कलर भी कर सकते हैं टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। अट्रैक्टिव फिनिश के लिए जो है इस पर कलर भी किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग, मतलब एनोड को थिक बनाना है तो एनोडाइजिंग कहलाती है। और जनरली ये एल्युमिनियम के लिए ही अप्लाई करते हैं। अब हम देखें तो ये प्रोसेस एल्युमिनियम जो है किस नेचर का होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस नेचर का है, या दूसरे जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर क्या है। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द सभी से लगभग तो बेसिक नेचर के ही होते हैं। जैसे यदि सोडियम है, अब ये सोडियम ऑक्साइड बना लिया और यदि हम इसको वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरह से यदि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो ये देखें यदि हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं इसका मतलब है बेसिक नेचर का। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यदि ये बेसिक नेचर के होंगे इनके सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसके लिए यदि हम जैसे ये वाटर ले लिया है और इस वाटर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया मैंने और इसको थोड़ा सा इसको डिजॉल्व कर देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये हाइड्रोक्साइड बनने के बाद इसमें यदि हम ये रेड लिटमस पेपर यदि डालते हैं, यदि रेड लिटमस पेपर यदि ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है जो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये देखिए रेड लिया था और ये अभी ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और इसके बेसिक करेक्टर को पता करने के लिए हम यदि इसमें इसको रिएक्शन वाटर के साथ डिजॉल्व कर दें तो बेसिक सॉल्यूशन गेन कर सकते हैं। अभी ये है कि ये सोडियम ऑक्साइड इजीली सॉल्युबल होता है तो जनरली दे आर कॉल्ड एल्कली, ये एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ये रेडली सॉल्युबल नहीं होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये पूरी तरह से अभी जैसे डिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एल्कलाइन नेचर के हैं, इनको एल्कलाइन हम बोलते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कली, एंड वाटर जो कोल्ड वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर कॉल्ड एल्कलाइन। अब इसी तरह से एल्युमिनियम भी बेसिक नेचर का होता है लेकिन वो साथ में एसिडिक करेक्टर भी शो करता है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं, मीन्स दे आर एम्फोट्रेरिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड etc और भी हो सकते हैं, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। ये एसिडिक भी शो करते हैं, बेसिक भी शो करते हैं, इट मींस दे आर एम्फोट्रेरिक इन नेचर।
एम्फोट्रिक नेचर कहलाता है जब कोई कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दोनों को ही शो कर सकता है, दे आर कॉल्ड एम्फोट्रिक नेचर एंड दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक तब शो करेंगे, मतलब जब वो क्या होंगे, जैसे एसिडिक कैरेक्टर होगा जब उनके सामने मान लीजिए जो सामने वाला कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस हो तब वो अपने आप को एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब वो जिसके साथ रिएक्ट होना चाह रहे हैं यदि वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड हो गए, और यदि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपने आप को बेस की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है वह रिएक्ट विद HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बना लेता है ZnCl2 प्लस H2O, तो ये बना लिया इसने जिंक क्लोराइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरह से जब हम जिंक ऑक्साइड को यदि अब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन, तो यहां पर ये है बेसिक जबकि ये बेस है, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर का है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना लेता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को यहां से ये लिबरेट कर देगा, ये सोडियम जिंकेट। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ HCl, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड इट बिहेव एज बेसिक कैरेक्टर, जब इट रिएक्ट विद बेस इट बिहेव एज एसिड। तो ये बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, और ये दोनों केस में ही साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और एक में वाटर और एक में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये कि सब मेटल्स जैसे होते हैं या मेटल ऑक्साइड होते हैं, दे आल्सो रिएक्ट विद द बेस। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वेर रिएक्ट विद HCl। तो ये यहाँ पर भी एसिड है, तब ये हो जाएगा बेस टू फॉर्म, और एसिड बेस का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, AlCl3 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O6 और ये हो जाएगा 3H2O, Al2O3 प्लस 6HCl टू फॉर्म 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। इसी तरह से जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें, जनरली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, तो ये हो गया है अभी बेस, अब ये हो जाएगा एसिड की तरह बिहेव करेगा अपने आप को, और ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट, इनको जो है नाम दे सकते हैं, 2Al प्लस हाइड्रोजन गैस एंड लिबरेट 2NaOH5H2O। यहां पर ये वाटर ही लिबरेट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो इट आल्सो फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट इज ए सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, दोनों केस में ये सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए मेटल्स लगभग लगभग सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ दें तो, और बाकी प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, यही रिएक्शन नहीं करते, बाकी लगभग सभी रिएक्शन करते हैं। और कुछ मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, व्हाइल सम मेटल ऑक्साइड्स आल्सो शो एम्फोट्रिक कैरेक्टर लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।